दोस्तों अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे दिन भर रील्स देखते हैं और रील्स देखते देखते ही आपका जो डाटा है वो खत्म हो जाता है, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है तो दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन दूंगा जिसके वजह से आप दिन भर जितना भी रील्स देखो आपका जो डाटा है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो जैसे ही रील्स को देखते हैं और थोड़ा सा यूज करते हैं कि नहीं, रील्स देखते हैं कि नहीं, उनका जो डाटा है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों आज मैं आपको इंस्टाग्राम का डाटा सेवर सेटिंग को ऑन करने का जो तरीका है वो इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा, जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप देख के आप भी अपने मोबाइल पे इंस्टाग्राम डाटा सेवर सेटिंग को ऑन कर लोगे तो आप जितना भी दिन भर रील्स देखो आपका भी डाटा खत्म नहीं होगा। तो कैसे इनेबल करना है डाटा सेवर सेटिंग को, चलिए इस वीडियो पे मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरा भी नाम जान लेता है, मेरा नाम है फारूक और आप देख रहे हो मेरा चैनल टेक्निकल रियल। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरे इसी तरह का जो हेल्पफुल वीडियो है आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, दोस्तों इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल पे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपका जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है वो इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों सबसे पहले दोस्तों नीचे आपको एक प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको नीचे प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही प्रोफाइल वाले ऑप्शन को यहाँ पे आप ओपन करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन है वो इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट साइड ऊपर देख सकते हो थ्री डॉट वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आ जाना है। तो जैसे ही थ्री डॉट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको इस तरीके का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रोल कर लेना है। स्क्रोल कर लेने के बाद दोस्तों यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां पे मैं आपको दिखा दूं योर ऐप एंड मीडिया पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाटा यूजेस एंड मीडिया क्वालिटी करके। तो यहां पे आपको डाटा यूजेस एंड मीडिया क्वालिटी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो यहां पे मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूं। देन यहां पे आप देख सकते हो यहां पे फर्स्ट पे आपको यूज लेस डाटा करके एक डाटा सेवर करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहां पे आपको क्या करना है, इसको ऑन कर लेना है। तो जैसे ही इसको ऑन करोगे दोस्तों यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम का जो डाटा सेवर है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है दोस्तों एक बात का, यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको भी आपको ऑन कर लेना है। ये किस लिए ऑन करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप इंस्टाग्राम पर खुद का रील्स अपलोड करोगे आपका जो रील्स है वो हाई क्वालिटी में अपलोड होगा। जैसे कि कोई भी अगर आपके वीडियोस को देखेंगे आपका वीडियोस अच्छी क्वालिटी में उनको देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आप जो डाटा सेवर सेटिंग को ऑन किए हो इससे आप दिन भर में जितना भी रील्स देखो आपका जो डाटा है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। दोस्तों एक और सेटिंग भी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले मोबाइल के आपको सेटिंग को यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तो इसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो जैसे ही ओपन करोगे दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हो एक डाटा सेवर करके एक ऑप्शन होता है, ये फोन का सेटिंग होता है, इसको क्लिक करके यहाँ पे इसको ऑन कर लोगे तो आपके मोबाइल का जितना भी बैकग्राउंड डाटा यूज होता होगा, कोई एप्लीकेशन आपका जो डाटा ले रहा होगा या बैकग्राउंड पे आपका कुछ भी डाउनलोड हो रहा होगा तो वो ये जो डाटा सेवर उसको बंद कर देगा, जिससे कि आपका जो डाटा है वो बहुत ही ज्यादा सेफ हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप इंस्टाग्राम पर डाटा सेव कर सकते हो, जितना भी आप रील्स देखोगे आपका डाटा बिल्कुल खत्म नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए कुछ भी प्रॉब्लम होगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता देना, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।